जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार। और एक खास बात यह है दोस्तों कि मतलब 2 या 3 दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कारण ये है कि मेरे क्षेत्र में जो है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने लाइव टेस्ट रखा हुआ था, तो दोस्तों अब दिक्कत ये आ रहा था ना, नेटवर्क बहुत ज़्यादा इश्यू मतलब पैदा कर रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि लाइव टेस्ट ना लेके आज हम ऑफलाइन टेस्ट ले रहे हैं। क्लास 10 का है ये, और इसको हम लोग जो है पढ़ेंगे आज। देखते हैं पढ़ना क्या है, बस आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि एक क्लाउज का टेस्ट है। ठीक है, क्लाउज का हम लोग करेंगे। कुछ कुछ हम पहले हिंट कर देते हैं, इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 10 का है ये, ग्रामर का पोर्शन से है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज का जो है। ज़्यादा लेट ना करते हुए सारे स्टूडेंट्स लोग इसे ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वैन वैन का मतलब क्या होता है पहले ये जानना है। ठीक है, वैन का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जब या तो कब। ठीक है, इसको आप अपना कॉपी में क्या करें कि इसको नोट कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा ना, आपका जो एग्ज़ाम में जिस तरह से रहता है उसी तरह से क्वेश्चन होंगे आपके पास, यहाँ पर मिलेगा भी आपको। ठीक है, तो ये अगर आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आंसर देने में आसानी होगा। ठीक है, वेयर का मतलब कहाँ, ठीक है, या तो फिर जहाँ, कहाँ या तो जहाँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉपी में ज़रूर लिख लें। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे। ठीक है, या तो फिर एज इफ का मतलब होता है मान लो, या तो माना कि। ठीक है, ठीक है। देखिए वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। देखिए सबका हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे और क्या हो इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, देखिए व्हाट का मतलब होता है क्या, है ना, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मतलब होगा जो। ठीक है, डाइट का मतलब होता है कि। ठीक है, हाउ मतलब होता है कैसे। कॉपी में ज़रूर नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। ओके, देखिए लेस्ट, लेस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, यही सारे वर्ड्स रहते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्लाउज के रूप में। ठीक है, तो ये सारे नाउन क्लाउज हैं, और ये नाउन क्लाउज ही हैं ये सारे, तो ये सारे जो हैं इन्हीं को बीच में भरना पड़ता है आपको क्लाउज में। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है ना हम लोग इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। ठीक है, अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है। देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन क्लाउज, है ना। नाउन क्लाउज के साथ आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ठीक है, देखिए इट इज़ ट्रू, ठीक है, ही सेज, यानी कि यह सही है। ठीक है, वह कहता है। तो देखिए वैन का मतलब होता है कब, आप जानते हैं अच्छे से, कब या तो जब। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों, देखिए बैठा के यहाँ पे क्या बैठेगा, एकदम सिंपल सा बात है। ठीक है, व्हाट का मतलब होता है क्या या तो जो, देखिए यह सच है जो, देखिए ना यहाँ पे बैठा के देखिए, यह सच है कब वह कहता है, गलत ये तो नहीं होगा, ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए यह सच है क्यों वह कहता है, गलत ये भी नहीं होगा। ये देखिए यह सच है जो वह कहता है, तो यहाँ पे जो आएगा, तो जो का इंग्लिश क्या है हमारा, तो इंग्लिश का वर्ड क्या है, व्हाट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वट, यानी कि कौन सा सही होगा, तो वट सही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप वीडियो पे बने रहे। ठीक है, आपको अब इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ना, आपको उसमें सोचने का वक्त दिया जाएगा, और आप क्या करेंगे कि सोच के जवाब भी देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका जो है सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज़ द गर्ल, ठीक है, हेल्प्स मी,
यानी कि यह लड़की या वही लड़की है जो क्या करती है, देखिए दिस इज़ द गर्ल, ठीक है, हेल्प्स मी, यह वही लड़की है जो क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, वैन होगा, वाई होगा, हु होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए आप लोगों का जवाब पता नहीं क्या है, लेकिन अब हम बताते हैं, बता दिया जाए तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका जवाब होगा हु मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, हु का मतलब जो या तो कौन, ठीक है। तो देखिए दिस इज़ द गर्ल हु हेल्प मी, यानी कि यह वही लड़की है जो मेरा मदद करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। और इसमें कौन सा आंसर बताए थे, व्हाट, इसमें क्या होगा, हु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ही डजंट नो, यानी कि वह नहीं जानता है, टू स्पीक हिंदी, हिंदी कैसे बोला जाता है, वह नहीं जानता है कि हिंदी कैसे बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या भर आएगा, व्हाट होगा, वाई होगा या हाउ होगा, तो आप क्या भरेंगे जरा सोच के देखिए, दिमाग में थोड़ा सोचिए, और सोचने पर अगर जवाब मिलता है तो कमेंट में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 2 1 गो, चलिए हम देखते हैं, बताते हैं, इसका आंसर होगा हाउ, ठीक है। देखिए वह नहीं जानती है, ठीक है, कि हिंदी कैसे बोला जाता है, तो हाउ का मतलब होता है कैसे। तो देखिए यहाँ पे कैसे है, तो हिंदी कैसे बोला जाता है वह नहीं जानती है, तो हम लोग क्या भरेंगे, हाउ लगाएंगे, है ना, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए क्या कहता है, द टीचर टोल्ड मी, टीचर ने मुझे बताया, ठीक है, टू सॉल्व द सम, यानी कि वेयर होगा, व्हाट होगा या हाउ होगा, ठीक है। शिक्षक ने मुझे बताया कि प्रश्न को हल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं या क्या करते हैं, तो क्या होगा ज़रा सोच के देखिए, ज़रा आपको आंसर मिल जाएगा ये स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ठीक है हम बताते हैं, देखिए क्या होगा इसका आंसर, हाउ होगा, हाउ मतलब कैसे, यानी कि शिक्षक ने हमें बताया कि कैसे प्रश्न को हल करते हैं, है ना, एकदम करेक्ट है। तो ये सब जो है ना, ये सारी क्लाउज हैं, ये सारी क्लाउज जो है, ये सेंटेंस जो है डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक मतलब एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरा सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसी तरह से है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, और इसी तरह से आपको मार्क्स जो है एकदम एक्यूरेटली उठाना है, ठीक है, 34 मार्क्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसी तरह से टोटल 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप देयर इज़ विल देयर इज़ वे, यानी कि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है ना, राह यहाँ पे, वे का मतलब रास्ता हुआ या राह, विल मतलब चाह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे चाह है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ, जहाँ का वैन होता है कि वेयर होता है कि हाउ होता है, ये आप लोग डिसाइड करिए, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, वेयर आएगा, वेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ, तो जहाँ चाह है, वेयर देयर इज़ विल, यहाँ पे क्या भराएगा, वेयर, है ना, वेयर, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, यानी कि जहाँ चाह है वहीं पर राह है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अब आगे देखिए, रवि डांस्ड, यानी कि रवि ने डांस किया, ठीक है, या डांस करता था या कर पाता था, ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, जब वह 18 साल का था, तो देखिए वैन होगा कि हाउ होगा कि वेयर होगा, तो क्या होगा, यानी कि रवि जो है डांस कर सकता था कब, जब कितना साल का था, 18 साल का था, तो जब का क्या होगा, वैन, क्या आएगा यहाँ पे, वैन, ठीक है। इसी तरह से आपका डाउट्स जो है क्लियर होते चला जाएगा, इस वीडियो पे कंटिन्यू रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखिए ही इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, ठीक है, जो कब हाउ मतलब कैसे, ठीक है, तो क्या होगा, या वही लड़का है, यहाँ पे क्या आएगा, जो आएगा कि कब आएगा कि कैसे आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, फट से जवाब दीजिए कमेंट में कर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, और नहीं तो आप मन में सोच के रखिए, बाकी तो हम बताएंगे ही। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, हु, या वही लड़का है, ठीक है, या वही लड़का है जो, हु का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो, तो जो का मतलब हम जानते हैं कि हु होता है, तो हु इंस्पायर्स मी, या वही लड़का है जो मुझे मुझे प्रेरित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, यू देखिए है ना, यू लेबर हार्ड, अब चलिए देखते हैं, दैट का मतलब क्या होता है कि, है ना, आप जानते हैं अच्छे से, हु का मतलब होता है जो या तो कौन, इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है, आप याद रखें, इफ़ का हम नहीं लिखे हुए थे वहाँ पे, इफ़ का मतलब होता है यदि, ठीक है। तो देखिए यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ठीक है,
की यहाँ पे अगर की बैठाते हैं दैट तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि की तो यहाँ सुटेबल है ही नहीं। हु मतलब हो जाता है कौन, इफ मतलब यदि। यदि देखिए तुम पास हो जाओगे यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, तो इफ यहाँ पे आ जाएगा इफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, तो इफ आएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, ठीक है, ही मैनेज हिज वर्क। देखिए यहाँ पे दैट मतलब होता है कि, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन। ठीक है तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे क्या भरा आएगा आप सोचिए। देखिए एवरी वन नोज, हर कोई जानता है कि वह कैसे अपने ऑफिस या अपने काम को क्या करता है, मैनेज करता है। तो कैसे होगा, तो कैसे का यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, है ना, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है, यू लाइक। तो देखिए वाई मतलब क्यों होता है, वट मतलब जो होता है, वाइल मतलब जब की होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो। तुम पढ़ सकते हो जो तुम चाहो, है ना, तुम पढ़ सकते हो जो तुम चाहो, तो यहाँ पे क्या आएगा, वट। यू कैन रीड वट यू लाइक, तुम पढ़ सकते हो जो तुम पसंद करते हो। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। रीड केयरफुली, यू शुड फेल। ठीक है बहुत ही ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो देखिए लिस्ट, हाउ, होम, क्या होगा। लिस्ट का मतलब ये देखिए, लिस्ट लिस्ट मतलब हम क्या बताए थे, इसका हिंदी हम बताए थे दोस्तों आपको कि कहीं ऐसा ना हो। हाउ मतलब कैसे, होम का मतलब कौन होता है, ठीक है, या किसे। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट होगा, क्या होगा, या तो लिस्ट भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, तो लिस्ट होगा। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 12। आई नो, मैं जानता हूँ, इट वर्क्स, यह काम करता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। आई नो इट वर्क्स, यहाँ पे देखिए कोई निर्जीव वस्तु के लिए बात हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए बात होता है तो हम मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कैसे हो, क्या होगा, हाउ होगा, हाउ इट वर्क्स, कैसे यह काम करता है। ठीक है आई नो हाउ इट वर्क्स, मैं जानता हूँ यह कैसे काम करता है। ठीक है ये स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। माइस विल प्ले, यानी कि चूहे जो हैं वो खेलेंगे, कब, जब क्या होगा, कैट रिमेंस अवे, जब बिल्लियाँ दूर रहती हैं, ठीक है, या जबकि, या तो जब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हु होगा कि हाउ होगा, यहाँ पे देखिए हाउ होगा कि हु होगा कि वाइल होगा, तो क्या होगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि क्या होगा। चलिए बताइए डियर स्टूडेंट्स फटाफट, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं कमेंट में, कमेंट देख के मुझे पता चलेगा इस वीडियो के बाद। ठीक है तो चलिए देखते हैं, माइस विल प्ले, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाइल होगा। क्या होता है माइस मतलब, क्या होता है, चूहे, माउस होता है ना, माउस, इसका जो है प्लूरल होता है माइस, ठीक है, याद रखें इसका। ठीक है चूहे तब खेलते हैं जब बिल्लियाँ क्या रहती हैं, दूर रहती हैं, तो यहाँ पे जब के लिए या जबकि के लिए वाइल लगेगा, तो वाइल होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए बहुत ही सिंपल है, यू कम आई कांट गो। ठीक है तुम आते हो मैं नहीं जा सकता, मतलब कि देखिए व्हेन मतलब जब, व्हाइल मतलब जबकि, अनलेस मतलब जब तक नहीं, यानी कि जब तक नहीं तुम आते हो तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस, क्या हो जाएगा, अनलेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, सी डज, व्हाट सी डज, दैट सी डज, या व्हेन सी डज, या कोई नहीं जानता है कि वह लड़की क्या करती है, या कब करती है, या की करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या करती है ना, सिंपल है कि कोई नहीं जानता कि वह लड़की क्या करती है, बहुत ही सिंपल था, तो व्हाट होगा यहाँ पे। आगे देखिए, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, वाइल, व्हेन, हाउ, क्या होगा, वाइल मतलब जबकि होता है, व्हेन मतलब जब होता है ना, और हाउ का मतलब कैसे होता है। ठीक है तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, व्हेन।
यू कैन गो, तुम जा सकते हो जब तुम चाहो या जब तुम पसंद करो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा टोटल 16 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, और ये जो है एक तरह से आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिला होगा दोस्तों इससे। ठीक है, तो ये जो है ना सारे क्वेश्चंस को आप देख के फिर से प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, ताकि आपका दिमाग में ये सारे सेंटेंसेस सेट रहे, और आपका एग्ज़ाम में लगभग इसी तरह का ही सेंटेंस पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है, और आप लोग जो है अगर मतलब मेहनत करें इसी तरह से, तो आप अच्छा मार्क्स जो है एग्ज़ाम में ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग जो है इस चैनल का जो है इस तरह की जो वीडियोज़ का है, इस तरह का वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सके। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग माई चैनल, दैट्स ऑल, थैंक यू।